मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज विवेकरण सिन्हा फ्रॉम फ्यूचर इन हैंड्स। कैप्सूल सीरीज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां पर हम करते हैं सीधी बात, नो बकवास। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एक्सेल के एक क्विक ट्रिक की, विच इज ए हिडन ट्रिक। नॉर्मली हम लोग एक्सेल में शीट्स को, रोज को, कॉलम्स को तो हाइड कर लेते हैं, बट क्या आपने कभी चार्ट को हाइड किया है, या किसी शेप को हाइड किया है, या किसी इमेज को हाइड किया है? इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू हाइड चार्ट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन एक्सेल। सो चलिए सिस्टम पे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज द एग्जांपल फाइल जहां पर मैंने दो चार्ट लिया हुआ है एंड वन शेप इज देयर। अब ड्यू टू सम रीजन मुझे इसे और इसे हाइड करना है, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, वी डिलीट दिस या इसको किसी शीट में रख देते हैं, बट इसी शीट में आप इसको हाइड कर सकते हैं। कैसे, लेट अस सी। तो मैं राइट क्लिक करूंगा और यहां पर हाइड के कोई ऑप्शन नहीं है, सो आई विल नॉट राइट क्लिक, आई विल गो विथ होम टैब। अंडर होम टैब वी हैव फाइंड एंड सिलेक्ट, यहां पर आ रहे हैं सिलेक्शन पैन, और सिलेक्शन पैन पे क्या दिखेगा, जितने भी यहां पर ऑब्जेक्ट्स है, आई विल बी गेटिंग लिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स। मुझे क्या करना है, दिस इज माई चार्ट टू, दिस वन, सो आई विल हाइड दिस, और ये मेरे सेप है, आई विल हाइड दिस, डन। अब देखा आपने, ओनली चार्ट वन इज विजिबल। नाउ लेटर ऑन अगर मुझे इसको फिर से विजिबल करना है, आई विल यूज द सेम प्रोसेस, आई विल गो विद दिस वन, एंड दिस इज अंडर होम टैब, आई विल गो विद द सिलेक्शन पैन, एंड देन डन डन। और यहां से भी आप शो ऑल और हाइड ऑल कर सकते हैं। Awesome. So friends, I hope you like this trick and I'm sure you'll implement this trick in your offices. So friends, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube channel को subscribe नहीं किया तो please subscribe this channel and please share this channel with all of your friends and colleagues, because ये आपका channel है और आगे आने वाले time में हम ऐसे important topics पे बात करते रहेंगे जिसमें आपका time and effort save होगा और आप उस time and efforts में और भी productive काम करेंगे। Till then, take care, bye and have a great day.